रमज़ान में अगर इंतकाल हो, माह रमज़ान में इंतकाल हो जाए, तो इस सिलसिले में मुहद्दिसीन किराम ने अहादीस शरीफा की रोशनी में, जिसमें कि ये आया है कि माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा फ़ज़ल अमीम होता है, लुत्फ़ ख़ास होता है कि जन्नत के दरवाज़े सारे के सारे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, तो इस फ़ज़ल इलाही की गैरमामूली शान के पस मंज़र में मुहद्दिसीन किराम ने यह बात बयान फरमाई है कि जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए, चूँकि दोज़ख के दरवाज़े बंद हैं तो गर्म गर्म वहाँ हवाएँ जो है दोज़ख की कब्र में पहुँचती है, और कब्र में इंसान अगर गलत होता है, बुरा होता है, सवालात के ठीक से जवाब नहीं दे पाता है, तो दोज़ख की खिड़की खुल जाती है। अब जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए हैं माह रमज़ान में और दोज़ख के सारे दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं, तो कब्र में दोज़ख की तरफ का दरवाज़ा खोले जाने का मसला तो नहीं रहता। अब रहा रमज़ान में, तो ये लुत्फ़े ख़ास होता है। अब फिर उसके बाद फिर क्या दोबारा फिर उनको दाखिल जहन्नम कर दिया जाएगा? क्या जहन्नम की खिड़की, जहन्नम का दरवाज़ा कब्र में खोल दिया जाएगा? तो मुहद्दिसीन किराम ने शरह में फ़ज़ल खुदाबंदी पर नज़र रखते हुए कहा है कि अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है कि जब रमज़ान में बंद रखा है और ऐसे मौसम में उनकी तदफीन अमल में आई है, तो अल्लाह पाक अपने फजल करम से बकिया दिनों में भी अदाब को मुर्तफ़े फरमा दे, तो ये उसकी शान करीमी से बईद नहीं है। लेकिन बहरहाल बंदे मोमिन के तो हमेशा खौफ और रजा की कैफियत में रहना चाहिए, इन्हें डरते भी रहना चाहिए और रहमत से उम्मीद लगाए भी रहना चाहिए।